हेलो बच्चों, गुड नाइट पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं, क्लास 3 का साइंस का। ठीक है, तो चैप्टर 5 के हम क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो पहले क्या है स्टार्टिंग में, सबसे फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स? तो पहले में क्या कह रहा है, लैंड एनिमल्स जनरली वॉक ऑन तो 4 लेग। तो किस पे चलते हैं बेटा, वो FOUR 4। ठीक है, तो लैंड एनिमल जनरली वॉक ऑन 4 लेग, समझ में आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, डेजर्ट एनिमल कैन टोलरेट, जो डेजर्ट एनिमल होते हैं वो टोलरेट कर सकते हैं क्या, हाई HIGH हाई, वो हाई टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टोलरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें थर्ड क्वेश्चन दे रखा, पेंगुइन इज फाउंड इन, जो पेंगुइन होता है वो फाउंड इन कवर्ड रीजन, तो कहाँ पे पास स्नो, कहाँ पे मिलता है वो आपका, स्नो में। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, SNOW स्नो। तो आपको दिखाई दे रहा है 3, पेंगुइन इज फाउंड इन स्नो कवर्ड रीजन। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है आपको, ये उसके बाद में दे रखा है ये पिराना इज फाउंड इन वाटर ऑफ लेक एंड रिवर, तो कहां पर पाई जाती है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है आपकी, फ्रेश FRESH फ्रेश, तो फ्रेश वाटर में आपकी पाई जाती है। ठीक है, दूसरी क्या है, ओरंगुटान डस नॉट लाइक टू इंटरेक्ट विद, किससे इंटरेक्ट नहीं करते, ये ह्यूमन से, मतलब ये काफ़ी आप ये कह सकते हैं कि शर्मीले टाइप के होते हैं, शर्मीले नहीं, थोड़े से क्या हेजिटेशन होती है, और ये जो है जो वुमेन होते हैं उनसे ये इंटरेक्ट नहीं करते। ठीक है, टेरिस्ट्रियल एनिमल लिव ऑन, जो टेरिस्ट्रियल एनिमल कहाँ पर लिव कहाँ रहते हैं, वो लैंड LAND लैंड, समझ में आ गया। तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुके हैं ये। ठीक है, तो अब हम करते हैं आपके मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में क्या दे रखा है आपका, पहला देख लेते हैं डॉग। तो डॉग क्या है आपका, पीपल ओफन कीप इट एज पैट, आपको पता है कि जो डॉग होता है उसको जो है पैट की तरह रखते हैं। ठीक है, इसका ये है कैमल। कैमल क्या है, तो कैमल का देख लेते हैं हम, कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, ये जो काफ़ी टाइम तक पानी के बिना रह सकता है, तो कैमल का हम सील कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या है, स्नेक। स्नेक का क्या है, अ क्रॉल ऑन द ग्राउंड, क्रॉल्स ऑन ग्राउंड। ठीक है, उसके बाद में है टोड। टोड का क्या है, लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो आपका टोड होता है वो आपका बोथ दोनों जगह रह सकता है, लैंड में भी रह सकता है और वाटर में भी रह सकता है, समझ में आ गया। पोलर वेयर का क्या दे रखा है इसमें, इसमें हैड थिक फर ऑन इट्स बॉडी, जो पोलर बेयर होते हैं इनकी काफ़ी थिक फर होती है इनकी बॉडी पर। ठीक है, हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी, तो समझ में आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपके। ठीक, तो अब इसके बाद में अब हम शुरू कर रहे हैं नंबर सी पार्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन। दिस एनिमल लिव्स इन डेजर्ट, तो कौन है वो, कैमल। दिस एनिमल लिव्स इन डेजर्ट, तो क्या है इसमें, आपको ऑप्शंस काफ़ी दे रखे होंगे, जैसे आपको कैमल भी दे देंगे, लायन भी लिख देंगे, ठीक है, और भी लिख देंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जो डेजर्ट में रहता है वो आपका कैमल है। ठीक है, अगर आपको इनमें ऑप्शन दे रखा हो तो। उसके बाद में दे रखा एन एनिमल दैट लिव्स इन वेरी कोल्ड रीजन इस, तो कौन सा है, पेंगुइन। जो पेंगुइन होता है बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एरिया में रहता है वो। ठीक है, उसके बाद में एन एनिमल दैट लिव इन बोरो इज अ, तो ये जो बिल बना के जो कौन रहता है, वो रहता है आपका स्नेक, जो वो रहता है। ठीक है, इसके बाद में है नेचर प्रोटेक्ट पोलर बेयर फ्रॉम कोल्ड बाय प्रोवाइडिंग देम विद फर, जो आपका जो पोलर बेयर है वो जो उस ठंड से कैसे बचता है, उसकी जो फर होती है उससे बचता है वो, किससे बचता है वो, फर, FUR फर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद में है इट इज नॉट एन एक्वेटिक एनिमल, तो क्या है, रैबिट। मान लो आपको ऑप्शन और भी दे रखे होंगे, तो हो सकता है कि वो, उसने ये पूछा कि कौन सा एक्वेटिक एनिमल नहीं है, तो आपका जो रैबिट है वो उसमें नहीं रहता, वो जल में तो रहता ही नहीं है, पानी में थोड़ी ना रहता है वो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर करते हैं ब्रीफ में। ठीक है, तो पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एनी 4 लैंड एनिमल, तो नेम एनी 4 लैंड एनिमल, तो कौन कौन से हैं जो लैंड पर रहते हैं, काओ, कैट, हॉर्स एंड डॉग, तो ये क्या आपके, ये आपके लैंड एनिमल हैं ये। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, नेम एनी टू थिंग्स दैट फॉरेस्ट प्रोवाइड टू एनिमल। तो ऐसी दो थिंग्स जो कि फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, तो क्या है, फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द एनिमल। वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है और फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा, हाउ डू फिन एंड गिल्स हेल्प अ फिश। जो फिन और गिल्स हैं वो किस तरीके से फिश की हेल्प करते हैं, तो कैसे हेल्प करते हैं वो, अ फिश यूजेस फिन फॉर स्विमिंग। जो फिन्स होती हैं उनकी हेल्प से वो स्विमिंग करती है और गिल्स की हेल्प से क्या करती है, वो ब्रीथिंग मतलब सांस लेती है। समझ में आ गया। क्वेश्चन फोर, व्हाई डू फ्रॉग नीड वाटर। तो फ्रॉग को पानी की जरूरत क्यों पड़ती है, फ्रॉग नीड वाटर फॉर लेइंग देयर एग, अपने एग को रखने के लिए, लेइंग देयर एग, ठीक है। व्हाई डॉग्स एंड कैट्स आर फेवरेट पेट ऑफ मैनी पीपल, क्योंकि ये क्या होते हैं, थोड़े फ्रेंडली नेचर के होते हैं, ठीक है। डॉग्स एंड कैट्स आर फेवरेट पेट ऑफ एनिमल, रीजन क्या है कि वो थोड़े से क्या होते बेटा, ये आपके लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो इसमें यही आंसर दिया गया है, डॉग एंड कैट्स आर फेवरेट पेट ऑफ मैनी एनिमल्स बिकॉज दीज एनिमल्स लाइक टू इंटरेक्ट एंड प्ले विद ह्यूमंस। मतलब ये क्या है कि उनके साथ इंटरेक्ट भी कर लेते हैं, उनके साथ खेलते भी, आपने देखा होगा डॉग के साथ भी बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेट एनिमल होते हैं। ई पार्ट करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इसके बाद में दे रखा है, स्टेट द स्पेशल फीचर विच हेल्प अ कैमल टू लिव इन अ डेजर्ट। तो हमें स्पेशल फीचर के बारे में बताना है जो कि हेल्प करता है कैमल की किसमें, डेजर्ट में रहने के लिए। तो क्या है, स्पेशल फीचर्स ऑफ कैमल विच हेल्प देम टू लिव इन अ डेजर्ट और, तो कौन से में है वो, कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। पहला फीचर क्या है कि वो काफ़ी टाइम तक वो पानी के बिना रह सकता है, वो किसके बिना रह सकता है, वो पानी के बिना रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा देते हैं इनको, ठीक है, ये तो यहाँ पे और कम्प्लीटली अच्छे तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, दे कैन स्टोर वाटर एंड फूड इन देयर बॉडीज। ये स्टोर कर सकता है वाटर को और अपने फूड को अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि ये रेगिस्तान इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे ना तो पानी होता है, एक एक महीने तक, एक पता नहीं कितने कितने दिन तक पानी देखा ही नहीं रहता वहाँ पे। तो भगवान भी क्या करते हैं, उसी हिसाब से जीव वहाँ पे पैदा हो जाते हैं जिस हिसाब से वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो दे हैव पैडेड फीट, इसके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, गद्देदार होते हैं, दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन सैंड, जिससे कि वो हेल्प करते हैं सैंड पे चलने के लिए। समझ में आ गया। अच्छा क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, हाउ डू स्किन कलर एंड बॉडी पैटर्न ऑफ सम एनिमल्स हेल्प टू सेव देम फ्रॉम डेंजर। कि जो स्किन कलर होता है और जो बॉडी का जो पैटर्न होता है कुछ एनिमल्स का, वो कैसे हेल्प करता है उस खतरे से, मतलब किसी को कोई खतरा है तो उसका जो शेप है और उसका जो बॉडी कलर है उससे पता नहीं चल पाता, और हम उनको सोच लेते हैं कि यहाँ पे कोई एनिमल है ही नहीं, ठीक है। तो कौन से हैं वो, द कलर ऑफ स्किन एंड बॉडी पैटर्न ऑफ सम एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज, वो मर्ज हो जाते हैं उसमें, क्या हो जाते हैं वो, ये इसमें बता देते हैं, मर्ज विद देयर सराउंडिंग, ठीक है। द कलर ऑफ द स्किन एंड बॉडी पैटर्न ऑफ सम एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज विद देयर सराउंडिंग, वो मर्ज हो जाते हैं सराउंड मतलब वहाँ का जो वातावरण होता है, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर, और उस वहाँ के वो जो बचाते हैं खतरे से बचाते हैं उसका जो पैटर्न होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे लायन है, लायन के उस पर धारी वो पैटर्न बने होते हैं, देखिए आप लाइनिंग सी बनी रहती है ब्लैक और उसकी, तो वो क्या है कि जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होता है उसी हिसाब से उसकी बॉडी क्या है उसी शेप की वो बन गई है, और उसे क्या है कि जब खतरे से वो बच जाता है, वो क्या झाड़ियों में छिप जाता है, पता ही नहीं चलता कि शेर है या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से पैटर्न बन जाता है, ठीक है। अब आपने व्हाइट कलर के लायन भी देखे होंगे ना उधर कहीं दूसरे उसमें, तो वो वहाँ के इन्वायरमेंट में वो इस तरीके से बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। अच्छा इसके बाद में क्या है, व्हाई आर डॉल्फिन कंसीडर्ड टू बी इंटेलिजेंट एनिमल। कि जो डॉल्फिन है उसको क्यों कंसीडर किया गया है एक इंटेलिजेंट एनिमल। डॉल्फिन कंसीडर्ड टू बी एन इंटेलिजेंट एनिमल बिकॉज दे कैन ईजीली लर्न टू परफॉर्म ट्रिक एंड प्ले गेम्स। वो बहुत ईजीली क्या करती है, वो सीख जाती है परफॉर्म करना, ट्रिक को परफॉर्म करना वो जल्दी सीख लेती है, और प्ले और गेम्स को प्ले करना, समझ में आ गया। तो खेल भी जल्दी सीख जाती है, तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल का नाम है आपका गुड नाइस।
ठीक है, गुड नाइस चैनल, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर इसके और भी वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है। गुड बाय।